संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रेम स्वीकार करें, दोनों हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा करें, करें प्रभु का स्मरण यानी कि मंगला चरण। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं भय मुझे करो आत्म कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी हार्दिकता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए पूरी नाभि मंडल से जय घोष लगाएं, अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाए अहिंसा पर मोह धर्म की, वाणीनाथ स्वामी की, गौतम प्रभु स्वामी की, चंद्र प्रभु शांतिनाथ नवीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, चारी चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, महाराज की, विश्व धर्म की, धर्म की बोलिए। अंबेडकर प्रसन्न सागर जी महाराज की बोलिए, श्री पीयूष सागर जी महाराज की बोलिए, माधव नंदन जी महाराज की, एक पंथी पद सागर जी महाराज की, समस्त मणि संग की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार ग्रंथ में एक बहुत अच्छी गाथा कही है और वह गाथा जीवन की संपूर्ण सर्वस्व को आलोकित प्रकाशित करती है। यूं देखा जाए कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जितनी गाथा लिखी, चाहे समय सार हो, नियम सार हो, प्रवचन सार हो, अष्टपाउर हो, जिन ग्रंथों में जो गाथा लिखी है, उनकी एक एक गाथा पर एक एक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें उतनी बुद्धि, उतना क्षयोत्सम की आवश्यकता पड़ती है। कुंद कुंद स्वामी के एक एक सूत्र में जीवन का सार भरा पड़ा है और आचार्यों के सूत्र में ही जीवन का सार है, पंडितों के वाक्यों में सार नहीं है, विस्तार है। निर्ग्रंथों के वचनों में, संतों के वचनों में, अरिहंतों के वचनों में, भगवंतों के वचनों में सार देखना है तो इतना ही सार है। संसार शोकमय, संसार शोकमय, जीना भोगमय,
शरीर रोगमय, संसार शोकमय, जीना भोगमय, शरीर रोगमय, संबंध वियोगमय और संत समागम उपयोगमय। जितना जो उपयोग हो रहा है सत्संग के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, इस संपूर्ण समय आपका उपयोग हो रहा है। यदि आप मंदिर में बैठे हैं, जाप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, तब भी आपको पुण्य का आश्रय हो रहा है। और सपोज आप क्षेत्र के लिए आए, बाहर टैक्की दुकान पर बैठे हैं, तो आपको पुण्य का नहीं पाप का आश्रय चल रहा है। क्यों आए थे हम, कहां के लिए, कहां जाके बैठ रहे हैं। टाइम पास मत करो क्षेत्रों पर जाकर के, समय का उपयोग करो। और जो समय का उपयोग करते हैं उनका उपयोग बहिर्मुखी नहीं फिर अंतर्मुखी बनना प्रारंभ हो जाता है। संसार शोकमय, संसार में तुम कुछ भी कर लो दुख ही मिलेगा, कितना ही कमा लो असंतुष्टि ही मिलेगी। जब कुछ भी नहीं था तब भी दुखी थे और आज कोई कमी नहीं है तब भी रो रहे। और हमारे मां बाप, हमारे पुरखे, हमारे मां बाप के मां बाप के मां बाप, उनके पास धन दौलत जमीन बहुत कम था लेकिन सुख शांति बहुत थी। आज के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, मकान है, घर है, गाड़ी है, टीवी है, रंगीन बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, सुंदरता व्यापार है, उसके बावजूद भी ना सुख है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सद्भाव है और ना जिंदगी में वो है जिसकी हम कभी कल्पना कर सकते हैं। अरे मन बड़ा बेईमान है, कितना भी मिल जाए हमेशा रोता ही रहता है। मन बड़ा बदमाश है, सम्मान भी मिल जाए तो उसके बावजूद भी रोता ही रहता है। मन बड़ा चालाक है, हमेशा अच्छे कार्यों में चालाकी करता है, अच्छे कामों अच्छे कार्यों में बदमाशी करता है, अच्छे कार्यों में बेईमानी करता है। ये मन का स्वभाव ही ऐसा है। कितना ही मन को मिले उसके बावजूद भी मन दुखी परेशान ही रहता है। मन का काम ही दुखी रहने का है। मन एक है, इच्छाएं अनंत हैं। मन एक है, इच्छाएं अनंत हैं। पर एक मन की इच्छा, एक अनंत इच्छाएं एक मन को खुश नहीं कर सकती है। देखा नहीं, अब जब लड़की की शादी होती है, शादी के बोले कितने सब, जब लड़का शादी करता है तो लड़की के माँ बाप सपने सजोते हैं कि मेरे घर में बहू आएगी, घर मेरा स्वर्ग बन जाएगा, गरम गरम बनाएगी, खिलाएगी, मैं जब मंदिर जाऊंगी तो मेरी बहू मुझे नाश्ता तैयार करके रखेगी, बादाम का हलवा बना के रखेगी, सूजी का हलवा बना के रखेगी, बरसात में पकौड़े बना के रखेगी जब मैं मंदिर से घर जाऊंगी। कितनी कितनी कल्पना सपने सजोए थे कि वो सपने पूरे हो पाएगा, किसी माँ बाप के नहीं हो पाते। बेटा बाप माँ बाप का तब तक रहता है जब तक उनकी इच्छाओं में रहता है। और जहां शादी की, आई वॉन्ट सेपरेट सेपरेट, तुम अपनी जिंदगी जो, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं और अपनी जिंदगी जीऊंगा। इतना निवेदन, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। और संबंध जब शादी, उस लड़की शादी होती है शादी के बाद, और ध्यान रखना बेटे को मां बाप की बातें तब तक बुरी लगती हैं जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं, बेटे को, बच्चों को मां बाप की बात तब तक बुरी लगती जब तक वो खुद मां बाप नहीं बन जाते हो। जिस दिन बेटा बाप बनता है उस दिन लगता कि यार मेरा बाप ठीक ही बोलता था, मेरा पिता ठीक ही डांटता था, मेरा पिता ठीक ही बार बार टोकता था। बेटियों को मां बाप की बात तब तक बुरी लगती जब तक बेटी खुद मां नहीं बन जाती है। और जब बेटी खुद मां बनती है, अरे मेरी मां मुझे बार बार टोकती, तो फिर वो बच्चे को बार बार अपने बच्चे को टोकती डांटती मारती, क्यों, उसने भी ऐसा ही जीवन दिया है। शौक तो मां बाप के पैसों से ही पूरे किए जा सकते थे, शौक को
माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते थे, अब तो हमारे पैसों से सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही हैं, सिर्फ आवश्यकता पूरी हो रही है। अब शौक कहां पूरे हो पा रहे हैं, अब तो सपने दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। सोचा था कि शादी के बाद खूब कमाऊंगा, खूब घूमूंगा, खूब ऐश करूंगा, खूब आनंद मंगल मनाऊंगा, लेकिन खुद की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। निवेदन कर रहा हूं, उस लड़के की शादी हुई, उस लड़के ने मांग भरी, चुटकी बोलते चुटकी भर सिंदूर मंगा दे, मांग में तेरी भर दो। अब सोचो लड़का एक बार लड़की की मांग भरता है, लड़का एक बार लड़की की मांग भरता है तो वो लड़की जिंदगी भर अपने पति से मांगती है, जिंदगी भर मांगती है। फिर बोलती सुनो जी ये ला दो, ये कर दो, वहां चलो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। जब जब घर आता है तब तक मांग पर मांग, बोलता है मैं दुखी हो गया तुझसे शादी करके, नहीं करता तो बहुत अच्छा था, सुखी था, मैं कब तक तेरी इच्छाओं को पूरी करूं, अपना घर चलाऊं कि तेरी इच्छाओं को पूरी करूं, जो तुझको घुमाने ले जाऊं, तेरे पूरी इच्छाओं को पूरी करूं। तो उसने कहा था आपने तो मेरी मांग भरी थी, क्यों मेरी मांग भरी थी, अब भरी तो पूरी करो। उस लड़का जिंदगी पूरी जिंदगी गुजार देता है तब भी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाता है। मेरी मांग पूरी करो और भरो, ना भरता ना पूरी करता। ऐसे देखो आप कभी भी आप देखना, पुरुष को अटैक आते हैं, स्त्री को अटैक नहीं आते हैं। स्त्री को 2% तक के अटैक आते हैं तो 98% पुरुषों को अटैक आते हैं। तो जब जब भी घर जाएगा हमारी मांग पूरी करो और भरो, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, यानी हार्ट अटैक। फिर वो बस देवी बस कर तू बस, अब मुझसे सहा निकाल रहा है। और आदमी की जरूरत की आवश्यकता कितनी, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी चौथा कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और आदमी चाहे तो बहुत अच्छा जीवन जी सकता है, चाहे तो, लेकिन उसको रो रो के जीना है, तुम क्या कर लोगे, मर मर के ही जीना है, क्या कर लोगे तुम। इतना निवेदन गुजारिश अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि मन एक है, इच्छाएं अनेक हैं, मांग पूरी हो पाएगी जिंदगी, अब वो मांग पूरी कर ही नहीं सकता है तो जिंदगी भर गधा मजदूरी करता है, बोझ ढोता है, उसके बावजूद भी सुख शांति से ना बैठ पाता है, ना दो रोटी सुख से खा पाता है। जिसके लिए तुम इतना पसीना बहारिया है वो दो रोटी भी तुम सुख से नहीं खा पा रहे हो। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। जिनके पास बहुत धन है, बहुत धन है, क्या वो उतने सुखी जितना उनके पास धन है? जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है तो क्या वो बहुत सुखी है क्या? फिर तुम धन के, फिर तुम क्यों धन के पीछे भाग रहे हो? जब तुम देख रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत दुखी, बहुत परेशान है, फिर तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? निवेदन कर रहा हूं, यदि अरबपति खरबपति बनने से सुख मिलता तो बड़े बड़े तीर्थंकर महापुरुष चक्रवर्ती उस महल को, राजपाट को छोड़ करके जंगल में जाके नहीं बैठते। सुख का मार्ग धन वैभव नहीं है, सुख का मार्ग तो संतोष है, सुख का मार्ग तो सफिशिएंट जो है। और कभी तुमने परमात्मा को धन्यवाद दिया? जितना तुम्हारे पास आज है तुम्हारी औकात से ज्यादा है, जो तुम्हारे पास आज है तुम्हारी औकात से ज्यादा है। इतनी तुम्हारी औकात नहीं जितना तुम्हारे पास है, और जो मिल रहा है वो तुमको औकात से ज्यादा मिल रहा है, उसके बावजूद भी हमारा मन असंतुष्ट क्यों?
एक प्रश्न फिर पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास नहीं है इस बात का दुख है या तुम्हारे पास कम है इस बात का ज्यादा दुख है? तुम्हारे पास नहीं है इस बात का दुख है या तुम्हारे पास कम है इस बात का दुख है? वो कम कभी पूरा हो ही नहीं सकता, कम कभी हमारे पास 90 रुपए हैं, हमारे पास 100 रुपए हैं और पड़ोसी के पास 500 नोट उसके बाहर जेब दिख रहे हैं, हमें 100 का सुख नहीं है, 400 नहीं है उस बात का दुख है। और वो आदमी 400 पूरे करने में पूरी जिंदगी गुजार देता है, मां बाप को छोड़ देता है, बच्चों को छोड़ देता है, बीवी को छोड़ता है, सिर्फ कहां जा रहा है, पैसा कमाने जा रहा है, मुझे 400 पूरे करना है। और जिंदगी का अंत आ जाता है भागते भागते, लेकिन पैसा पूछा 100 से 500 रुपए तक पहुंच ही नहीं। एक सज्जन कानपुर के मेरे पास आते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दी, गुरुदेव मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है। खोलने बाबू, खुल गया। पहले बोलते गुरुदेव मेरे पास यदि 25 मेरे क्लाइंट बन जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे तो मेरा जीवन चल जाएगा। 25 मिल गए गुरुदेव, 2 साल से 25 से आगे नहीं बढ़ रहे, 50 हो गए, 50 गुरुदेव, 50 से आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे 50 हो फिर कम हो जाते। और आज तक उसके 100 मेंबर पूरे, आज तक 100 पूरे नहीं हो पाए, उसको 90 आ गए, उसका दुख सुख नहीं है, 100 पूरे क्यों नहीं हो पाए, इस बात का दुख है उस पगले को। इतना निवेदन कर रहा हूं, मन एक है, इच्छाएं अनेक हैं, और हम दुखी वस्तु के कारण से नहीं है, हम दुखी अपने खुद के कारण से हैं। जो कह रहा था कि तुम्हारे पास नहीं है इस बात का दुख है कि तुम्हारे पास कम है इस बात का ज्यादा दुख है। और हमेशा हम यही इसी बात पर रहते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास तो देखो, उनको तो इतना दे दिया, हमको तो कुछ देते ही नहीं, हमारे भाव को तो कुछ मिलता ही नहीं, हम तो इतनी सेवा करते, इतनी बार उनके पास जाते, वो तो मौली भी नहीं देते, और उनको तो 4-4 घंटे बैठ के बातें करते रहते। इतना निवेदन कर रहा हूं, जो हमें मिल रहा है हमारी औकात से मिल रहा है, तब भगवान से कहो कि परमात्मा जितनी मेरी औकात नहीं, जितना तूने मुझे दिया है, और मां बाप को धन्यवाद दो कि हे मां बाप तुमने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, खड़ा किया, योग सुयोग बनाया, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना तुमने मुझे दिया है, और हमने तुमको जिंदगी भर क्या दिया। और सबसे ज्यादा यदि लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अपने मां बाप से करते हैं, सबसे ज्यादा लोग लड़ाई झगड़े करते तो अपने मां बाप से ही करते हैं, पड़ोसी से नहीं करते हैं। क्यों? उन्होंने सब कुछ दिया है, जिनको हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। इतनी सी गुजारिश, इतना सा अनुरोध, इतना सा निवेदन आपसे कर रहा हूं, मन एक है, इच्छाएं अनेक हैं। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था कितनी है, कैसी है? सपोज मेरे कमरे में 15 लोग बैठे हैं, ठीक है, हमने सिर्फ 15 में से एक व्यक्ति को बुला के मौली बांध दी, 14 को मौली नहीं बांधी, 14 को तिलक नहीं किया, सिर्फ एक को मौली बांधी, एक को तिलक किया, उसके पीछे पे पिछी लगा दी, तो उसके मन में क्या फील आएगा कि देखो मैं 14 में BVIP, मैं गुरुदेव का परम भक्त हूं, ठीक है। तो इसका विपरीत, यदि मैं 14 को मौली बांधू, 14 को तिलक करूं, सिर्फ एक बंदे को तिलक ना करूं, अब उस मन में क्या फीलिंग है मेरे प्रति? बड़े स्वार्थी गुरुदेव तो चेहरा देख के मौली बांधते,
चेहरा देख के तिलक करते हैं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो इनका मैं बेकार हूं। तीसरा इसका पार्ट, यदि हमने जब उस 14 को मौली नहीं बांधी, सिर्फ एक बंदे को ही मौली बांधी, उसको ही तिलक किया, 14 को नहीं किया, उसके मन में क्या फीलिंग। अब सपोज यदि हम उस बंदे से कहें कि तुझको 1 लाख रुपए मंदिर में दान करना है, तो क्या कुछ? अरे यार फंस गया मैं तो, उन्होंने 14 को किसी को बोली मुझे पकड़ लिया या मुझे टोपी पहना दी उन्होंने। जब तुझको मौली बांधी तब तेरे मन में बीवी बनने का भाव आया, और जब गुरुदेव ने कहा कि तुझको मंदिर में 1 लाख रुपए दान करना है, फिर तू क्यों फंस गया? अब बोल नहीं मैं बीवी है, गुरुदेव ने मुझे सौभाग्य दिया, 15 में मैं ही सौभाग्यशाली था कि गुरुदेव ने मुझे मंदिर में दान देने के लिए, ऐसा भाव आता है क्या? अब मैं भी अब बताओ तुम भी वीआईपी देने पर कोई भी वीआईपी नहीं, बस लेने में भी वीआईपी बन रहे। समय मिल जाए तो हम खासम खा, और नहीं मिले तो अरे यार पूछो ही मत, सब बेकार है संसार। एक क्षण में हमारी श्रद्धा 100% हो जाती है, और एक क्षण में श्रद्धा 0 पर आ जाती है। तो हम चाहते क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, आज तक हम खुद नहीं समझ पाए कि मुझे पाना क्या है, चाहिए क्या है, और मुझे पहुंचना कहां तक है। दूसरा, आप मंदिर में आए, अब छोटे गिन्नर आई, आपने वंदना की, बहुत सुंदर पहाड़ लगा। तो जितने लोग हमारे बाहर के, जितने लोग अभी तक यहां पर आए हैं, बहुत 80% लोग पहली बार यहां पर आए, 80% लोग पहली बार आए, गुरुदेव मजा आ गया, इतना सुंदर पर्वत, इतना सुंदर पहाड़, इतना अच्छा, तो वहां जाके नहीं लगता बड़े गिनार पे जितना आनंद हो छोटे गिनार पे जाके आता है। वहां जाने के बाद तो दिल में धक धक करने लगा, वहां तो पता नहीं कब पंडा खड़ा हो जाए डंडा लेके, और यहां तक कोई पंडा नहीं, यहां तो परमात्मा ही परमात्मा, जिस चौक पे मरो वहां परमात्मा, जिस जितनी ऊपर बढ़ो उतना परमात्मा, और जितनी आगे बढ़ते जाओ आनंद सुख शांति वैभव और पुण्य। एक गिरनार राजस्थान वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रगत कर जी महाराज साहब बहुत बड़ी संपत्ति धरोहर दे करके गए हैं। जब कभी मन दुखी परेशान हो तो कहीं मत भटको, छोटे गिन्नर चले आ जाओ। राजुल भी गिन्नर गई थी नैमिष के पास, और एक बार गिन्नर गई वापस लौट के नहीं आई। गिरनार गिरनार, जहां से गिरे ना नार वो है गिरनार। स्त्री का सौभाग्य बनी राजुल। आप मंदिर आए, दर्शन किए, 1 बजे का समय था, मंदिर में कोई भी नहीं था, सिर्फ तुम थे और तुम्हारा परमात्मा था, पूरा खाली पड़ा था, कोई भी नहीं थे। आपने दर्शन किए, 9 बार 9 का मंत्र पढ़ा, आप खड़े हुए, आपके मां देखा गुल्लक रखी है, आपने पर्स निकाला, पर्स में से आपने देखा कि उसमें 500-500 के 2 नोट निकल के बाहर आ गए, 1 नोट पुराना था 1 नोट नया था। अब गुल्लक में कौन सा नोट डालेंगे, अपने मन से बोलो, मुझे सामने देख के बात बोलता हूं, आप खुद अपने मन में ईमानदार बन के दिखाओ, 100% आप पुराना ही डालोगे, क्यों? अरे यार कौन देख रहा, डाल दो अपना काम भी हुआ और एक नोट भी सलता, नोट भी सलता। क्या जिस भाव से तुमने नोट निकल उतने भाव से तुमने अंदर डाला है क्या? डालने को डाल दिया, निकालने को निकाल दिया, लेकिन आप दूसरा इसका दूसरा पक्ष देखिएगा। आप अपने दोस्त की शादी में गए, बारात जा रही थी, उसमें गीत बज रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, आपने जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, 500-500 के 2 नोट निकले, एक पुराना था एक करेंगे एकदम नया था। अब कौन सा नोट ऊपर दिखाएंगे? भगवान तेरे उस बराती, भगवान छोटा है क्या?
अब आप सोचो, हम बारात में नया नोट दिखा रहे हैं और भगवान की गुल्लक जहां से वापस मिलना है वहां पुराना। इसका मतलब कि तेरा मन धर्म के प्रति पुराना है और संसार के प्रति, इसलिए बस यही दुख का कारण है, यही दुख का, गलत बोल दिया, यही दुख का कारण है। और ये दुख कभी मिटने वाला, और हमेशा आदमी जब भी धर्म के लिए पैसा देता है रोते रोते पगला देगा, हंसते हंसते बोलता है और रोते रोते पैसा दे। ऐसे ऐसे बहुत से लोग होंगे, जब प्रतिष्ठा यहां की प्रतिष्ठा हुई लोगों ने उसमें बोलियां बोली थी और वो पैसा आज तक जमा नहीं किया। बहुत से पगले ऐसे होंगे। अभी हम 2-3 दिन पहले रस्ते में थे, चतुर्मास किया था हम लोगों ने पदमपुरा। सोचो एक अच्छे श्रेष्ठी बैंक जिंदा व्यक्ति जिसने 11 लाख की बोली बोली थी, आज तक पैसा जाओ अभी तक जमा नहीं किया, और दूसरे मंच बिंदास नाम जमा रहे। ऐसा धर्म मत करो, 1 रुपए का दान दो लेकिन उत्साह पूर्वक दो, नाच नाच के दो, हंस हंस के दो। जब दान दो तो घर जाओ तो ऐसा लगे अम्मा जी गंगा जी नहा के आई हैं, और तुम घर जाके जब बोलता रही यार तो फंस गए, उनके पास बैठे तो बोलियां चल रही थी, उन्होंने टोपी पहना दी मेरे को तो 5 लाख की, अभिषेक तो करके आया लेकिन फंस गया यार आज तो। जब तुमने दे ही दिया है, बोल ही दिए, तो अब किस बात की तो पगलो रो रही है। जब देना ही है या तो बोलो मत दो मत, और देना ही है उत्साह पूर्वक कमेटी का फोन आए उससे पहले तुम लिफाफा उनके पास पहुंचा देना, लेकिन नहीं हो पाता है। हाँ, हम शादी पार्टी में लिफाफा बिंदास पहुंचाते हैं और बोल देते भैया फलाने चंद जी के लिए वो आए थे, उन्होंने लिफाफा भेज दिया है। इतना निवेदन कर रहा हूं, समय आपका पूरा हो रहा है। मन एक है, इच्छाएं अनेक हैं। हमारे पास नहीं है इस बात का दुख नहीं है, हमारे पास कम है इस बात का दुख ज्यादा है, और उसकी कोई पूर्ति जिंदगी में कभी नहीं कर सकता है, ना भगवान ना महावीर ना उनके पिता, कुछ कोई नहीं कर सकता है। इसलिए निवेदन करो, संसार शोक में, संबंध वियोग में, जीना भोग में, शरीर रोग में, और संत समागम कर्म से जो मिला है वो सब यहीं छूट जाएगा, कर्म से जो मिला है वो सब यहीं छूट जाएगा, और जो धर्म से मिला है वो निर्वाण तक तुम्हारे साथ जाएगा। क्या करना है, कर्म का फल पाना है या धर्म का फल पाना है? मेरे इनका कहना है, मुंह तो ऐसा चलता है जैसे बिल्कुल तैयार बैठे हो बोलने के लिए, लेकिन करने के लिए ना बाबा ना। बातें बहुत सारी हैं, समय पूरा हो गया है 25 मिनट, क्योंकि आज की तारीख में अब लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग ज्यादा नीचे बैठना पसंद नहीं करते हैं, लोग ज्यादा पूजा पाठ करना पसंद नहीं करते हैं। लोग सोचते एक पूजा में 10 का पुण्य का फल मिल जाए। गुरुदेव आप संक्षिप्त में पूरा 1 घंटे का सार बतला दो, लंबा नीचे बैठना, फिर घुटने टेढ़े, फिर सीधे नहीं हो पा, फिर टेढ़ा, फिर डिस्को डांस 3-10 बार तो करता है, पर यूं बैठेगा फिर यूं पर लपल। हमारी क्षमताएं ना खाने की है, ना पचाने की है, ना बैठने की है, और ना धर्म करने की है। बस चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम खटारा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो एक माइक लगा दे भाई इनके पास, वो फिर नहीं आते हैं, वो फिर नहीं आते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते हैं। जो पल जो क्षण पुण्य के गुजर जाते हैं वो वापस लौट की जिंदगी में दोबारा तो कभी नहीं आ पाते हैं, और जो आएंगे वो नए बन के ही आएंगे, पुराने बन के नहीं आएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं,
वो पल वो क्षण वो लम्हे गुजरे, उससे पहले अपने जीवन की डायरी पर कुछ ऐसी इबादत लिख लेना, कुछ ऐसी प्रार्थना लिख लेना जो तुम्हारे जाने के बाद जब लोग खोले और पढ़े, क्या प्रार्थना, क्या अर्थ, गजब मजा आ गया। कि ऐसा नहीं हो कि जीवन की डायरी पर जब तुम मरने लगो अंतिम श्वास गिनो तो तुम मरते मरते कहो मेरा जीवन, अब बोलो, अब वो सब हमें अब हम बोलेंगे, है ना, मेरा जीवन, सब समझ रही हो, तेरे मन में तो चल रहे कौन बोले तो बोले कौन कौन भसे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन हो मेरा जीवन कोरा कागज, एक मैं लगा दे भाई उसके बाद उसका दिल मान ही नहीं दिया है। यहां सब रवि मुकेश का बड़े बड़े संगीतकार, उनको मौका नहीं मिलता गाने का, ये बाथरूम सिंगर है। इतना निवेदन अनुरोध गुजारिश कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, यही कह रहा हूं, जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र ग्रंथ सा सुबह शाम पढ़ा जाए, जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र ग्रंथ सा सुबह शाम पढ़ा जाए। आपने सुना, मन एक है इच्छाएं अनंत है, संसार शोकमय संबंध वियोगमय, जीना भोगमय, शरीर इस शरीर मालूम कितने रोग हैं, इस शरीर में 5,68,98,963 रोग इस शरीर में हो सकते हैं। इस अंगुल के प्रथम पोर्शन में, अंगुल के प्रथम पोर्शन में 96 रोग हो सकते हैं इस पोर्शन में। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने, कुमार आचार्य कुमार महाराज ने कार्तिक अनुपरीक्षा ग्रंथ में लिखा है, इस शरीर की उन्होंने स्थिति बतलाई है, इस पोर्शन में 96 रोग हो सकते हैं, पूरे शरीर में इतने करोड़ उतने रोग और हो सकते हैं। और देखो आज जो नई नई बीमारी आ रही है, जिनको कभी सुना नहीं, वो बीमारियां शरीर पैदा हो रही है। तो बीमारियां तो थी, सिर्फ उनको निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। अब शरीर तो कम बीमार पड़ता है आदमी का, लेकिन मन उससे ज्यादा बीमार पड़ जाता है। मन की बीमारियों का इलाज डॉक्टर के बाप के पास भी नहीं है, वो मन की बीमारियों का उपचार तो सत्संग या संतोष या सामायिक या स्वाध्याय ही है, पांचवा कोई उपाय नहीं मन का। आप बड़े मन से सुन रहे हैं और बहुत बड़े मन से सुन रहे हैं और बड़े मन से सुन रहे हैं और आप बड़े मन से सुनते हैं पर आप बड़े मन से सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं, बड़े मन से सुनो मत, बड़े मन से चुनो और आह्लादित मन से सुनो। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। क्षेत्र अपनी यौवन की दहलीज पर खड़ा है, क्षेत्र छोटा गिरनार, जब लड़की अपनी जवानी की उस उम्र पर पहुंचे तो सबकी नजरें टिक जाती है, अरे यार क्या लड़की, क्या सुंदर लड़की, किसकी लड़की पूछो भाई, मुझे अपना रिश्ता इस लड़की से ही करना है। तभी छोटा गिरनार अपनी यौवन की दहलीज पर कदम रख रहा है, वो बढ़ती हुई प्रभावना है, खिलता हुआ सौंदर्य है, बिखरती हुई लताएं हैं, जिसकी आंखें बोल रही हैं, जिसके होंठ बोल रहे हैं, जिसकी नाक सुंदर लग रही है, कान भी सुंदर दिख रहे हैं, वो पूरा शरीर आहा क्या रूप है, क्या गिरनार है, क्या संयोजना की उस संत ने, क्या भावना भाई, सोचो उस संत ने पहले अपने मन को गिरनार बनाया
तब बाहर जाकर ज्ञान छोटा बन पाया। यदि कोई चित्र किसी लड़की को किसी आर्टिस्ट को बनाना है तो पहले पूरी छवि मन में बनाना पड़ता, तब जाके वो छवि वहां उकेर पाते हैं। संत ने पहले अपने मन को गिन्नार बनाया और जीवन को तीर्थ बनाया, तब एक छोटा गिन्नार बापू गांव में बन पाया। और संपूर्ण बापू गांव का क्या पुण्य जोर मारा, बापू गांव के पहले कोई पहचान नहीं थी इस देश में, छोटा गिन्नार बना तो बापू छोटा बापू गांव हाईलाइट हो गया। किससे हाईलाइट हुई तुम? अपने पैसे से हाईलाइट नहीं हुए, अपने मकान जमीन से हाईलाइट नहीं हुए, तुम अपने व्यवहार से हाईलाइट नहीं हुए। किससे हाईलाइट हुआ बापू गांव? छोटा गिरनार। तो छोटा गिरनार एक छोटा तीर्थ, तुम भी अपने जीवन को तीर्थ जैसा बनाओ, अपने जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाओ। और तुम भी ये छोटे गिरनार जब बन करके अनंत अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करो। संपूर्ण बापू गांव वालों को, छोटे गिरनार वालों को, जिन्होंने जो कमेटी बनी है, समिति है, जो इसकी व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए पूरे जिंदा दिली के साथ कार्य कर रहे हैं, एक बार उन सबके जोरदार ताली बजा देगा। क्योंकि हम पैसा दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे सकते। जिनके पास समय है उनके पास पैसा नहीं है, तो जिनके पास पैसा है उनके पास समय नहीं है। लेकिन यहां तो वो है जिनके पास पैसा भी है और समय भी है और साथ में समर्पण भी है। शाम को यहां से जाएंगे हम अपने भगवान के लिए, अपने बाबा के पास, जहां पर एक लंबी साधना। सोचो जब से मन बनाया लंबी साधना, कभी महाराज साहब कह रहे थे बड़ा समय इसके पर संकल्प ले लिया, और वाकई में बहुत कठिन काम है। खेल नहीं है बच्चों का, एक उपास करने में देखो तुमको तारे जमीन पर दिखते हैं दीपा। जब एक उपास होता तो देखो समय तो रात में तो ऐसा शरीर हो जाता जैसे धूप में टमाटर बरसात में पापड़, और जब सुबह उठते हैं तो मंदिर जाने के लिए हमको 10 बार सोचना पड़ता है। और पहले बाद रात भर सपने में किसी न किसी दिखता, रात में अरे आ जाएंगे खा रहे वो खा रहे वहां जा रहे ये जा रहे वो जा रहे, रात भर सपने में दुकान और रेस्टोरेंट भी दिखता है। लेकिन यहां कोई रेस्टोरेंट, यहां तो रेस्ट ही रेस्ट दिखता है, कोई रेंट नहीं दिखता है। इतना निवेदन, इतनी सी गुजारिश, इतना सा अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं, क्योंकि आप हमारे अपने और हम आपके। और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाग में है कुसुम हस्ता कंटकों के ही सहारे, बाग में कुसुम हस्ता कंटकों के ही सहारे, सुख दुखों की नाव चलती जिंदगी के दो किनारे, प्रेम का है पंथ ऐसा कौन जीते कौन हारे, प्रीत की है रीत सच्ची हम तुम्हारे तुम हमारे, प्रीत की है रीत सच्ची हम तुम्हारे तुम हमारे। वाकई में यहाँ 2 दिन का प्रवास लगा, जैसे हम अभी और 1 महीना और रुक जाए यहाँ पर, जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना बढ़िया रूम, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा गुफा बना है, जहां जाओ ये गुफा में घुस जाओ, और छोटा गिन्नार दिन में 5-6 बार वंदना कराओ। आज हमने 5 वंदना किया, आज हमें एक कल महिला बोली महाराज जी आज हमें 7 वंदना की, हमने कौन सा तुमने शेर मान लिया, तुमको तो 21 वंदना करना थी आज, 21 तुमने 5 तो बहुत कम की। नहीं वो मेरा माथा दुखे, कमर दुखे, नींद नहीं आवे, सिर दुखे, हमने कहीं करो गोली खाओ, नहीं पहाड़ की वंदना रोज करो, 10 बार करो, 5 बार करो, 15 बार करो, वंदना करने से और कुछ नहीं होगा, आपका मन स्वस्थ होगा। और जब मन स्वस्थ होगा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, जब शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। अभी सुबह हम लोग जब ऊपर पहाड़ की वंदना करने निकली गए, पहाड़ की वंदना करने में पानी बरस रहा था, भीनी भीनी बरसात हो रही, काश जैसे काश्मीरी बरसात हो रही हो, हवा चल रही है, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, बड़ा मजा आ रहा था। सभी पानी बरस गीला हो जाए, हमें यार क्या गीला होगा, नंगे नहाए निचोड़े क्या,
गीला होगा तो एक बार यूं कर तो पूरा अपन नीचे उतर जाएगा। यहां से ना कुछ सुखाना है ना कुछ पहुंचना है, यहां तो यूं किया तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगा और वाकई में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है इस क्षेत्र पर। जो लोग आते हैं हंसते हंसते जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, अरे मजा आ गया, क्या तीर्थ बनाया। अब सोचो जितने लोग दर्शनार्थी यहां दर्श यात्रा दर्शन करने आ रहे हैं, जितने लोग मन प्रसन्न होकर जा रहे हैं, उन सबकी प्रसन्नता का, उन सबके आनंद का छठा भाग प्रज्ञा सागर की झोली में जाती है। अब संत की और भी शुद्धि बढ़ेगी और निद्रा होगी और फिर कहीं किसी क्षेत्र तीर्थ का फिर कोई निर्माण होगा। पुण्य से ही पुण्य बढ़ता है, ज्ञान ज्ञानी को ही ज्ञान प्राप्त होता है, लक्ष्मी के पास ही लक्ष्मी जाती है, कांटे से कांटा निकलता है और मंत्र से मंत्र कटता है। यदि कांटा लग जाए, कांटा लगा किससे निकलेगा, तलवार से कांटा निकलेगा, किससे निकलेगा, चक्कू से निकलेगा ना, कांटे से ही कांटा निकलेगा। आप सुन रहे हैं सुग्रीव हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। ओम नमः। मन एक है, इच्छाएं अनेक हैं, हमारे पास नहीं है इसका दुख नहीं है, हमारे पास कम है इस बात का ज्यादा दुख है। मंदिर में जाते हैं पुराना नोट डालते हैं नया वापस रख लेते हैं, शादी में जाते हैं नया ऊपर करते हैं पुराना वहां मेरी इंसल्ट ना हो जाए। यहां तो भगवान जो तीन लोग का नाम देख लिया है यहां इंसल्ट नहीं हो रही है, वो तो चार लोगों में तुम्हारी इंसल्ट ना हो जाए। इसलिए आज मेरे यार की शादी है, आज मेरी खाक तेरे यार की शादी है, इतना निवेदन कर रहा हूं। संसार सुख में, शरीर रोग में, संबंध वियोग में, जीना भोग में और संत समागम उपयोग में। आपने सुना अनुग्रहित हो, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। संपूर्ण बापू गांव वालों को, संपूर्ण छोटे गिनार को, संपूर्ण कमेटी समिति को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमेशा इच्छित संत ने क्षेत्र का निर्माण करवा दिया, अब आपका जुम्मा है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे उसको दूर दूर तक, इसकी खुशबू को दूर दूर तक फैलाते हैं। संत इत्र है और तुम हवा हो, संत इत्र है और तुम हवा हो, और हवा ही खुशबू को दूर दूर तक फैला सकती है। तो तुम हवा बन के खूब संत इस संत की खुशबू को दूर दूर तक फैलाओ और जो भी पदम पर चतुर्मास जो भी आएंगे उन सबको महाराज साहब अपनी प्रेरणा से बापू गांव जरूर छोटे गिनार दर्शन के लिए यात्रा के लिए भेजेंगे। हमको आशीर्वाद जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू रोग, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहन, सो तेरा शरणा गए सो पावे सुखे, नौ बार नमो का।